more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. तो ऑनलाइन टीआरपी में अपनी जगह पक्की कर चुका है सीरियल रामकरण में अब एक बार फिर से ट्विस्ट का तांता लगने वाला है। साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि कहानी में एक बार फिर से कुछ रंग ऐसे घुलने वाले हैं जिनको सुनकर जिनको जानकर अब आप भी चौंक जाएंगे और साथ ही आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, बता दें कि कहानी की सबसे पुरानी दुश्मन यानी कि दयावंती एक बार फिर से एक ऐसी घिनौनी चाल को अंजाम देने वाली है जिस चाल को सुनकर जानकर आप भी हैरत में पड़ सकते हैं। क्योंकि कुछ खबरों की माने तो रंग महल में सिर्फ और सिर्फ दयावंती इसीलिए लाना चाहती है अवनी को ताकि वो अवनी को उसकी गलतियों की सजा दे सके और वो गलतियां और कोई नहीं बल्कि आयशा की बेटी होना है। जी हाँ, आपको बता दी कि दयावंती इतने सालों के बावजूद भी अवनी को गंदा खून मानती है और साथ ही शैतान मानती है जो उसके बेटे यानी कि आशीष मेहता को भी खा गई थी। आपको ये भी बता दें कि कहानी में अब अवनी को रंग महल में खींच कर लाने वाली है दयावंती और साथ साथ अब अवनी की बोली लगाने वाली है दयावंती, जिसके बाद कहानी में कितने सारे इंटरेस्टिंग ट्रैक आ जाएंगे और साथ साथ ट्विस्ट का तांता लग जाएगा ये देखना कहानी के अंदर हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। साथ साथ ये भी कि भला जब नील को ये बात पता चलेगी तो वो दयावंती का क्या हश्र करता है। तो बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू अपने इस मोस्ट फेवरेट शो से जुड़े इस मोस्ट ट्रेमेंडस ट्रैक को जानने के लिए। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.